सक्सेना, अब तक तो भोला पांडे राम की हड्डियों का सुरमा बनाकर अपनी आंखों में लगा चुका होगा। हेलो सक्सेना, मैंने अपनी फैक्ट्री की सफाई की है, कचरा भेज रहा हूं, रिसीव कर लेना। छुट्टन, तू यहीं रुक, मैं आता हूं इनकी झड़प खा के। सक्सेना भाई, राम ने अपनी चलाकी से आपकी चाणक्य नीति को फेल कर दिया और हमको उल्लू बनाकर भीतर ले गया और हमारी दुराई कर दी। ये दफा तो हमको मात देगा वह, पर आगे उका ना छोड़े हम। सलाम साहब। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। मिस मोना आई? जी नहीं, वो जैसे आए उन्हें अंदर भेजिए। दीवान जी, जी मार्केट का क्या हाल है? फर्स्ट क्लास है भाई जी, सक्सेना इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में तो नंबर वन हो ही गई है, धीरे धीरे सारी दुनिया में हो जाएगी। गुड सर, आगे क्या? हाँ आ गए हैं, तुम्हें दो तीन बार पूछ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस आने का वक्त है मोना। सॉरी सर, बस की लाइन जरा ज्यादा लंबी थी। तुम जैसे लोगों को वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है, इसलिए जिंदगी भर लाइनों में सड़ते रहते हो, कभी बस की लाइन में, कभी दूध की लाइन में, कभी राशन की लाइन में। वाह क्या तेवर है भाई, क्या अंदाज है डांटने का, बहुत अच्छा डांटते हो। रईस हो तो तुम जैसा। हाँ तो बड़ी बेशर्म हो भाई, इतनी डांट खाने के बाद भी बड़े आराम से खड़ी हो। बाहर जाओ, मुझे सक्सेना से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या काम है वर्मा? भाई सक्सेना, सुना है तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए एक कामयाब लड़के की तलाश है, और मुझे मेरे भतीजे के लिए एक चौदहवीं के चांद की। क्या करता तुम्हारा भतीजा? भाई हांगकांग की एक एयरवेज कंपनी का मालिक है, अरबों की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस। कसम हमारी दोस्ती की सक्सेना, राज करेगी सपना। बोलो ये रिश्ता मंजूर है? हमें भी ऐसे खानदान की तलाश थी, क्योंकि फूलों में पली है हमारी बहन, फूलों से नाजुक है हमारी सपना। सपना कौन था वो मुफलिस जिसकी साइकिल पर तुम बैठकर सक्सेना खानदान की इज्जत को खुलेआम नीलाम कर रही थी? बोलती क्यों नहीं? भैया वो एक मोटर मैकेनिक है। मोटर मैकेनिक? रंजीत सक्सेना जिनकी गिनती शहर के चंद अमीरों में होती है, उनकी बहन एक मोटर मैकेनिक से प्यार करती? अरे इसमें बुरा क्या है जी, अपने घर में इतनी सारी गाड़ियां तो है, आए दिन मैकेनिक की जरूरत तो पड़ती रहती है। घर जमाई के साथ साथ मुफ्त का मैकेनिक भी मिल जाएगा। मैकेनिक है तो क्या हुआ, मेहनत की कमाई खाता है, आप लोगों की तरह दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलता। सपना, उस लड़के के चक्कर में छोटे बड़े का लिहाज करना भी भूल गई? सुनिए बात काफी आगे बढ़ चुकी है, गुस्से में बात और बिगड़ सकती है, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लीजिए। ठीक है, इसे कहिए कि हम उस लड़के से मिलना चाहेंगे।
उसका नाम राम भाई है, अखे शहर में मशहूर है अपना राम भाई। अरे साहब उसके हाथ में तो जादू है जादू, अड़ियल से अड़ियल गाड़ी पर ऐसे प्यार से हाथ फेरता है के साली रेस के घोड़े की तरह दौड़ने लगती है। हाँ। अरे बंबई का बड़े से बड़ा मिस्त्री हाथ जोड़ता है अपने राम भाई को कि अपना शागिर्द बना लो, बहुत बड़ा मिस्त्री है राम भाई अपना। हाँ। मैं तुम्हारे राम भाई से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आइए चलिए। चलिए राम भाई, राम भाई ये कोई आपसे मिलने आए हैं। नमस्कार। हेलो, मेरा नाम धनराज भाटिया है, मैं धनराज पिस्टन इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। तुम्हारे हाथों की कारीगरी की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए मैंने अपनी ही फैक्ट्री का पिस्टन अपनी गाड़ी में फिट कराया, और वो भी तुम्हारे हाथों से। जब मैंने उसका क्वालिटी टेस्ट कराया तो उसकी लाइफ 5 साल ज़्यादा निकली। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये कमाल तुमने किया कैसे। कुछ नहीं सर, ये आप ही की कंपनी का पिस्टन है, इसका शेप ठीक नहीं है, इसे थोड़ा खींच देता हूँ और इधर उधर हथौड़ा मार के इसकी शक्ल दुरुस्त कर देता हूँ बस। तुम महीने में कितना कमा लेते हो? 5-6 हजार। और अगर मैं तुम्हें 50 हजार रुपए महीने का ऑफर दूं, साथ में एक फ्लैट एक कार, तो क्या तुम मेरे साथ बतौर एक टेक्निकल असिस्टेंट के काम करना पसंद करोगे? माफ कीजिएगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। What rubbish! मैंने तुम्हें 50 हजार रुपए महीने का ऑफर दिया है, 50 हजार रुपए साल का नहीं। रहीम चाचा, देखो ये ब्लॉक है, हाँ हाँ इसे यहाँ रख दो। इस गैरेज के मालिक और उनके पास जो छोटा सा बच्चा है, मैं उतना सा ही था जब मेरे माँ बाप गुजर गए। रिश्तेदारों ने लात मार कर निकाल दिया मुझे और मेरे छोटे भाई को, तभी नहीं रहीम चाचा ने हमें सहारा दिया, अपने हाथ के नीचे काम सिखाया और आज इस लायक बनाया कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उनके बुढ़ापे का सहारा बनूं। और आप चाहते कि आज इन्हें ठोकर मारकर मैं चला जाऊं? मैं दुनिया का बड़े से बड़ा बेवकूफ बनने को तैयार हूं, लेकिन एक नमक हराम नहीं। मैंने अपनी 45 साल की जिंदगी में बड़े से बड़ा धनवान देखा है, बड़े से बड़ा बेईमान देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। आई फील प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। राम, ओ राम, ओ राम। अरे अरे क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात है? भैया ने तुम्हें बुलाया है शादी की बात करने के लिए। कब? कल ठीक 5 बजे। अरे 5 बजने वाला है, तख्ती जल्दी लगाओ। अरे हो गई आखिरी तारे, देखो। सुनिए, आपका नाम राम है ना? जी। हमारे मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। अच्छा अच्छा, तो वो तुम हो जो सपना से शादी करने का सपना देख रहा है। वो सपना नहीं, मेरी हकीकत है। हकीकत तो यह है बरखुरदार कि वो एक अरबपति बिजनेसमैन की इकलौती बहन है। खैर खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तुम शायद डर रहे हो कहीं तुम्हारे कपड़े खराब ना हो जाएं। घबराओ मत, इस घर के कालीन
तुम्हारे कपड़ों से कहीं ज्यादा साफ हैं। आपकी बहन ने मुझे बुलाया था, इसीलिए चला आया, वरना मुझे आपकी कालीन पर चलने का कोई शौक नहीं है। मतलब की बात कीजिए। तुम जैसे लोगों का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। सपना से शादी करके तुम दौलतमंद बनना चाहते हो, लेकिन शायद तुम भूल गए कि तुम जैसे लड़के अमीर लड़कियों के ड्राइवर बनते हैं, उनकी जूतियां साफ करने वाले नौकर बनते हैं, लेकिन शौहर कभी नहीं बनते। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर है तुम्हारी गरीबी का। खैर तुम चिंता मत करो, सपना से शादी किए बगैर भी हम तुमको दौलतमंद बना सकते हैं। कहो कितना रुपया चाहिए तुम्हें सपना के रास्ते से हटने का? 50,000? बोलो बोलो कितना रुपया चाहिए? 1,00,000? 2,00,000? कम का कम डालें? टेक 3,00,000? 5,00,000? 6,00,000? 7,00,000? 10,00,000? अरे मुंह खोलो, मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। कुत्ते के साथ रहते रहते तुम्हारी अकल भी कुत्ते जैसी हो गई है। तुम इंसान और कुत्ते में फर्क करना भी भूल गए। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारी बहन ने किसी कुत्ते से नहीं, इस मर्द से प्यार किया है, मर्द से। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी इस अमीरी की है, क्योंकि अमीर बनने के लिए शायद तुम जैसे इंसान को कुत्ता बनना पड़ता है। हेलो, सक्सेना बोल रहा हूं। एक आदमी के हाथ पैर तोड़कर ऐसी हालत कर दो कि वो आराम ज्यादा भीख मांगने के लायक भी नहीं रहे। नाम बोलो। राम। पता क्या है? बांद्रा के नेशनल गैरेज में एक मैकेनिक है, ठीक है? पांडे जी, कोई कलयुग का राम पैदा हो गया है। बांद्रा के नेशनल गैरेज में मैकेनिक है, उसे हमेशा के लिए वनवास भेजना है। परेशान काहे होते हो वर्मा जी? अरे हम उनका भिजवा देते हैं वनवास, क्यों छुट्टा? तुमने कहीं राम को देखा है? राम भाई, हाँ थोड़ी देर पहले नदी के पास जाते हुए देखा उनको। कि तुम जैसे लड़के उनकी जूतियां साफ करने वाले नौकर बनते हैं, लेकिन शौहर कभी नहीं बनते हैं। तुम जैसे लड़के उनकी जूतियां साफ करने वाले नौकर बनते हैं, लेकिन शौहर कभी नहीं बनते हैं। Thank you.
भैया, ये तो कुछ भारी पड़ा था। कुछ ऐसा ही लगत है छुपटन, दाग दे। का किया इतना गड़बड़ होगा भैया, चाणक्य नीति निकल ले। तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता रे, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो होना था वो हो गया, अब तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हें जेल जाना पड़े। राम, तुम्हारे भाई का क्या होगा? मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे? अपने भाई को इतना बड़ा इंसान बनाना कि हमारे तुम्हारे बीच जो मेरी गरीबी का फासला है वो उसकी जिंदगी में ना आए। बोलो राम, मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ सपना, हाँ बस एक आखिरी तमन्ना, तुम्हारी सुहागन बनकर मरना चाहती हूँ राम। सपना, अरे क्या हुआ रहा? बहुत खुश हो रहा है जिससे तू इसके अंदर खुश हो रहा है। अरे खजाना नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। अच्छा, मेरा भाई एचएससी पास हो गया है, गोल्ड मेडल मिला है, टॉप किया है, टॉप। ये देखो। अच्छा, ये तो सूरत हाल है, अरे सूरत नहीं दिखाएगा भैया? अरे पहले चाचा, पहले चाचा, जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो। परवरदिगार, मेरे बेटे को इतनी खुशियां देना, इतनी खुशियां देना कि इसके भाई की झोली में समा न पाए। अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो बेटे, ये लो, ये सारे पैसे लो और मिठाई लाकर के पूरे मोहल्ले में बांटो, सारे मोहल्ले में बांटो। बेटे बेटे इसी तरह ध्यान से पढ़ना और बहुत बड़े आदमी बनना, फिर मैं जन्नत से हूर लाकर उससे तेरी शादी करवाऊंगा। जब तक भैया शादी नहीं करेंगे मैं भी शादी नहीं करूंगा चाचा। तू जानता है कि मैंने शादी ना करने का फैसला किया है। क्यों किया आपने फैसला भैया, आप कुछ बताते क्यों नहीं? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अब्दुल चाचा। जी मालिकन। अब्दुल चाचा, दिव्या के कमरे को ठीक कर दिया? हाँ बिल्कुल ठीक कर दिया। शंकर। जी मालिकन। शंकर, दिव्या के कमरे में खीर पहुंचा? नहीं, वो तो मामी जी लेके आ रही है जी। अच्छा अच्छा, ये लो दीदी, खीर भी तैयार हो गई। आहा, क्या खुशबू आ रही है। अपने हाथों से बनाई है दिव्या के लिए। अच्छा, तो अपने ही हाथों से खिलाना अपनी भांजी को। अब्दुल चाचा। जी मालकिन। क्या टाइम हुआ? टाइम मालकिन 10 बज गए। 10 बज भी गए? अब तो दिव्या बेटी आती होगी ना। हाँ। और ये भैया क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। नहा रहे?
भैया और नहर है। दीवान जी आज हमारे सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। क्यों भाई जी? पंचगनी बोर्डिंग स्कूल से आज हमारी बेटी आ रही है, वन एंड ओनली दिव्या। वो आ गए जिसके लिए आप सारी रात सोए नहीं थे। आखिर दिव्या ही तो उनका अभिमान है। दिव्या को छोड़कर उनके लिए दुनिया में और कोई चीज नहीं है। बेटी, मामा, I love you। जीती रहो बेटी। मामा, हॉस्टल का खाना खा खाकर मैं तो बोरी हो गई। अब तो रोज आपके हाथ के दही पकौड़े खाऊंगी। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, पहले मामी की बनाई हुई खीर तो खा ले। ओह मामी, आई। कैसे हो बेटे? ये लो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। कैसी लगी? यम। अरे मामा कहाँ गए? हम यहाँ है बेटा। मेरी प्यारी भांजी, वेलकम वेलकम। आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ओ, वो इसलिए बेटा कि आज हम नहाए हुए हैं। क्या मामा? हमने सोचा कि आज अगर हमने नहीं नहाया तो हमारी प्यारी प्यारी भांजी हमको प्यारी प्यारी पप्पी कैसे देगी। कमान कमान कमान। थैंक यू थैंक यू। देखा नहाने का फायदा। अब्दुल चाचा आप कैसे हैं? बिटिया दिव्या। पापा अब्दुल। चलो चलो बेटा, बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी, पहले चल के कुछ खा लो। हाय मामा मामी। मॉर्निंग। हाय माँ। हाय पापा। बेटी ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? भूल गए पापा, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। ओह, आज हमारी बेटी कॉलेज जा रही है। अरे वाह बेटा, आज तुम कॉलेज जा रही हो, बड़ी हो गई हो। मेरी एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। बोलिए पापा। बेटा, ये मुफलिस और गरीब तबके के लोग एक नंबर के खुदगर्ज और मक्कार होते हैं। इनके बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं, अमीरजादियों को फांस कर उनकी दौलत को लूटने के लिए आते हैं। छोड़िए ना, ये पहले दिन ये क्या लेके बैठे हैं आप? हाँ दीदी, भैया ठीक कह रहे हैं। हाँ आरती, ये सबक पहले दिन ही सिखाना जरूरी है ताकि बाद में पछताना ना पड़े। देखो बेटा, अगर तुम अपने पापा का दिल दुखाना नहीं चाहती हो तो इन छोटे और ओछे लोगों से इस तरह से बचकर चलना जिस तरह लोग कोढ़ के मरीज से बचकर निकलते हैं। डोंट वरी पापा, आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। ऑल द बेस्ट। बाय पापा। बाय बेटा। देख भैया, तू आज कॉलेज जा रहा है, तीन बातें अपने पल्ले में बांध के रखना। क्या भैया? पहली बात, पराई स्त्री को स्पर्श करना पाप होता है, अगर कोई पराई स्त्री तुझे स्पर्श करे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। अच्छा भैया। दूसरी बात, हो सकता है कभी तेरे मन में काम वासना जागृत हो तो शीर्ष आसन कर लेना, मन शांत हो जाए। और तीसरा सबक, सबक नहीं समझ ले, यह मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, हम गरीबों का कभी अमीरों की दोस्ती रास नहीं आती। अमीरों से उतना ही दूर रहना जितना कोई प्लेग की बीमारी से दूर रहता है। ठीक है भैया। जा। दीपा, हाय दिव्या, हाय दीपा, हाय शबनम, हाय कविता, हाय नीना, स्कूल का पूरा ग्रुप
कॉलेज के रईसजादे हैं और बिजनेस टाइकून रंजीत सक्सेना की बेटी दिव्या सक्सेना के चाहने वाले भी हैं। लेकिन इन्हें कैसे मालूम कि मैं रंजीत सक्सेना की बेटी हूँ? सिंपल, मैंने अपने भाई को बताया और उसने पूरे कॉलेज को, और तेरे चाहने वाले फूल लेकर तेरे स्वागत के लिए पहुँच गए। ये फूल नहीं, मेरा दिल है, मेरे बाप का कपड़े का मिल है। हाँ जाओ, यहाँ नहीं मेरा जिगर है और मेरा बाप बहुत बड़ा लीडर है। थैंक यू। आपके बाप क्या गमला बनाते हैं? जी नहीं, बंगला बनाते हैं। आई मीन ही इज अ बिल्डर। अभी तो मैं आपको एक गमला दे रहा हूँ, मगर बाद में जब जरूरत होगी तब आपको अपना बंगला दे दूंगा। इडियट। पराई स्त्री का स्पर्श। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो। स्टॉप इट। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय जय। अरे नहीं नहीं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय जय। हेलो। ऐसे गेरो गेरो पैसे। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो। ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहा है? मेरे भाई ने मुझसे कहा था, जब भी कोई पराई स्त्री को स्पर्श करो तो वो पाप होता है, और जब भी ये पाप करो तो हनुमान चालीसा का जाप करो। एक बात बताएंगे जी? बोलिए जी। एक बात बताइए, कोई पराई स्त्री नदी में डूब रही हो तो उसे बचाने के लिए आप नदी में कूदेंगे या पाप के डर से भाग जाएंगे? जी कहिए जी। मैं ना अपने भैया से पूछ के आता हूँ जी। इशाद आपकी है। जय 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 हनुमान गुसाई, कहाँ फंस गया मेरे भाई? लल्लू है बेचारा, लल्लू नहीं एक नंबर का चालू है। शाम। ओ शाम। बोलो भैया। अरे आ गया कॉलेज से? हाँ भैया। क्या हुआ बता? क्या हुआ भैया? मैंने आज 50 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और 25 बार शीर्षासन किया। हाँ भैया, इसका मतलब 50 बार तूने स्त्रियों को स्पर्श किया और 25 बार तेरे मन में काम वासना जागी, वो भी एक ही दिन में? हाँ भैया। ए मेरे छोटे भाई, तू कॉलेज ही गया था या कहीं और चला गया था? नहीं भैया, मैं कॉलेज ही गया था। वहाँ पढ़ाई लिखाई होती है ना? होती है भैया, ये देखो नोटबुक देखो, पढ़ाई होती है वहाँ पर, देखो। ये दिव्या कौन है? दिव्या कौन? दिव्या शायद जिस लड़की से मैं टकरा गया था वो ही होगी। ये दिव्या, तेरे टकराने की इस आदत का सिर्फ एक ही इलाज है। ये क्या है भैया? ये लंगोट है, कल से इसे पहनकर कॉलेज में जाना। जी भैया। ये लंगोट है, कल से इसे पहनकर कॉलेज में जाना। ये लंगोट है, कल से इसे पहनकर कॉलेज में जाना। ये लंगोट है, कल से इसे पहनकर कॉलेज में जाना। वो वैसे ही रह गए। सुनी जी, सुनी जी, दिव्या जी। कहिए जी। कल आपकी हमारी टक्कर हुई थी ना? हाँ हाँ। उसमें आपकी मेरे पास रह गई और मेरी आपके पास रह गई। ये किताब। ओह जी, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे लेकिन सुनिए जी। सुनाइए जी। कल जो हमारी टक्कर हुई थी ना, उसके घर्षण से जो बिजली पैदा हुई थी, उसका करंट अभी तक मेरे बदन में दौड़ रहा है। सच्ची? हाँ। आपको मालूम है, मेरे भैया ने इन भावनाओं को लंगोट से बांधने की कोशिश की, लेकिन आपके प्यार के उफनते हुए तूफान ने उस लंगोट की दीवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपना भी हाल तेरे जैसा है। क्या बात कर रही हो, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। हाँ जी। और अब दस दिनों के सारे फायर ब्रिगेड भी आ जाए तो भी इस आग को नहीं बुझा सकते। हाँ।
श्याम, जल क्लास का वक्त हो रहा है। श्याम फिर कब मिलोगी? जब तुम कहो श्याम। बाय बाय। बाय बाय स्वीट हार्ट। चल जल्दी चल क्लास का वक्त हो रहा है। ए, क्या तुम उसे सच में प्यार करने लगी हो? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि आदमी दौलत के लिए कितना गिर सकता है। नहीं दिव्या, तुम इसे गलत समझ रही हो। मुझे तो लगता है कि वो सचमुच में तुमसे प्यार करने लगा है। तो लगा ले शर्त, मैं तुझे साबित करके दिखा दूंगी कि वो मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करता है। लगी शर्त, बोल कितने की? 10,000 की। डन डन। अब मैं कॉलेज में एक नाटक खेलूंगी, तुम सबको मेरा साथ देना होगा। ओके ओके। और हाँ, दीपा को भी बता देना। ओके। दिव्या 4 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं वो बीमार हो गई है? पता नहीं श्याम, लगता है ये बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सुमित सुमित, कुछ सुना तुमने यार? क्या? वो बर्बाद हो गई है। कौन? दिव्या, सक्सेना सक्सेना कंपनी का दिवाला निकल गया है। उसका गाड़ी बंगला फैक्ट्री सब बिक गया। अच्छा, तो अब दीपा का क्या होगा? दिव्या चल देखते हैं। चल दिव्या। सुनकर बहुत दुख हुआ दिव्या। दुख तो इस बात का है कि आज ही हमेशा हमेशा के लिए कॉलेज छोड़कर जा रही है। क्यों? क्योंकि फीस देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है और सवाल 1,000 रुपयों का है। ओ, वेरी सैड। सुनो, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है, तुम इसकी मदद करो प्लीज। व्हाट आर यू सेइंग दीपा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, क्या हुआ? देखो दीपा, मेरे डैडी बहुत बड़े करोड़पति हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट वही करते हैं जहाँ कुछ वापस आने की उम्मीद हो। यू नो, मेरे पास में आने का वक्त हो रहा है। आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट यू दिव्या, और मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। बाय बाय। सनी सनी, तुम तो इसके प्यार का दम भरते थे, तुम इसकी मदद करो। प्यार इससे? अरे इससे तो अच्छी मेरी घर की नौकरानी है, कम से कम किसी से भीख तो नहीं मांगती। एनीवे, मुझे भी तुमसे हमदर्दी है दिव्या। हमदर्दी? तुम इसे कोई भी इसकी मदद करो। दिव्या दिव्या, मुझे तुमसे हमदर्दी है, यही कहना आया था तुम, या फिर ये कहोगे I'm sorry दिव्या, मेरी क्लास का वक्त हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि दूसरों की तरह तुम भी मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हो, सिर्फ नाटक, मेरे पापा की दौलत के लिए, हराम की दौलत। दिव्या ओ शराब शराब, तुम जैसे खुद गलतों के लिए ठीक ही कहा था मेरे पापा ने, तुम लोग कोर के मरीज होते हो, कोर के मरीज, दौलत के हवस में डूबे हुए गंदी नाली के कीड़े। तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ? प्यार? मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं करती, क्योंकि मुझे तुमसे घिन आ रही है, घिन। दिव्या दिव्या, तुम्हारी फीस जमा कर दी? किसने? शाम ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी फीस जमा करने के बजाय दिव्या की फीस जमा कर दी। अब बोल दिव्या, कौन पड़ा था तेरी दौलत के पीछे? वो अमीरजादे जिन्होंने सिर्फ 1,000 रुपयों के लिए तुझे भिखारियों जैसे दुत्कार दिया, या ये शाम जिसने अपनी फीस तेरे नाम जमा कराते वक्त ये भी नहीं सोचा कि कल को जब कॉलेज से इसका नाम कट जाएगा तो इसका क्या होगा? तूने झूठी शर्त लगाई, शाम से मोहब्बत का नाटक किया, लेकिन फिर भी तू ये साबित नहीं कर पाई कि शाम तुझसे नहीं तेरी दौलत से मोहब्बत करता है। ओह, तो ये सब नाटक था। वाह दिव्या जी वाह, कमाल की एक्टिंग कर लेती हैं आप। सरेआम मेरी मोहब्बत से खिलवाड़ किया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे पता तक नहीं चला। वाह दिव्या जी वाह। लेकिन एक बात दिव्या जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी गरीबी पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी अपने दम पे कमाते हैं, तुम्हारे बाप के आगे आकर भीख नहीं मांगते। सच कहा है किसी ने तुम जैसी लड़कियों के लिए कि पहले दिल लेते हैं फिर जा भी ले लेते हैं, और जिद पे आए तो ईमा भी ले लेते हैं। इनको इस तरह मिटाओ कि निशानी ना मिले, इन्हें ऐसी जगह मारो जहां पानी न मिले। क्या बात है सक्सेना, आज फार्म हाउस पर क्यों बुलाया है? वक्त आ गया वर्मा,
सक्सेना इंडस्ट्रीज को एक नई पिस्टन कंपनी खोलने का, जिसका नाम होगा सक्सेना पिस्टन्स प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि जब तक धनराज भाटिया की पिस्टन इंडस्ट्री चल रही है तब तक तुम्हारे पिस्टन को कोई भी घास नहीं डालेगा। आप ठीक बोले सर भाया, मार्केट में धनराज भाटिया के पिस्टन की जबरदस्त डिमांड है। हम उसकी मार्केट तोड़ देंगे। उसे तोड़ना मुमकिन नहीं है सक्सेना। ये तुम कह रहे हो वर्मा, स्पेयर पार्ट्स का सबसे बड़ा डीलर? हाँ हम कह रहे हैं, तुम्हें हकीकत बता रहे हैं। हकीकत तो यह है वर्मा, अपनी एम्पायर खड़ी करने के लिए धनराज भाटिया जैसी कितनी मछलियों को मैं जिंदा निगल चुका हूँ। यह तुम्हारी गलतफहमी है, धनराज भाटिया कोई छोटी सी मछली नहीं है जिसे तुम आसानी से निगल जाओ। वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ। मगरमच्छ की रफ्तार समंदर की लहरों तक की होती है, पानी के बाहर आके वो बेबस हो जाता है। मैं इस मगरमच्छ को पिस्टन के समंदर से बाहर निकाल कर मारूंगा। दीवान जी। जी भैया। धनराज भाटिया की फैक्ट्री के यूनियन का इलेक्शन कब है? अगले महीने की 20 तारीख को भाया। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, धनराज भाटिया मुर्दाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, धनराज भाटिया मुर्दाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो ये सब रंजीत सक्सेना का किया धरा है? यस सर, अपनी पिस्टन इंडस्ट्री को लॉन्च करने के लिए सक्सेना हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर देना चाहता है। हमारा यूनियन लीडर भोला पांडे भी उसी का पालावा गुंडा है। सक्सेना के इशारे पर ही भोला पांडे ने हड़ताल करवाई है। भोला पांडे को बुलाइए। का हुकुम है साहेब? तुम्हारी मांगे क्या है? हुका है साहेब, हर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो 40%, महंगाई भत्ता बढ़ा दो 50%, और कुछ ज्यादा नहीं एक 4 महीने का बोनस दे दो। ये मांगों की फहरिस्त मजदूरों ने बनाई है या रंजीत सक्सेना ने? ये नाम तो हम पहली बार सुन रहा हूँ साहेब। कौन है ये रंजीत सक्सेना? बहुत खूब, जिसके पैसे के दम पर तू हमारी फैक्ट्री के यूनियन का लीडर बन गया उसका नाम तक नहीं जानता। तू इतना नमक हराम तो नहीं है? तमीज से बात करो साहेब, हम यूनियन लीडर हूं, किसी के बाप का नौकर नहीं। नौकर नहीं, तू है चमचा, सक्सेना का कुत्ता। कुत्ता का हमको? कुत्ता का? ए धनराज भाटिया, अब तो तू चाहे भी ना तो हड़ताल बंद नहीं होगी, तेरी फैक्ट्रियों में ताला लगे ही लगे। अगर तुम लोग दंगा फसाद नहीं रोकोगे तो मजबूरों को मुझे गोली चलानी पड़ेगी। चाणक्य, अरे ये तो हम चाहते हैं कमिश्नर कि तुम गोली चलाओ और फैक्ट्रिया बंद। छुट्टन चला घोड़ा। मुझे आपने तो कमाल कर दिया सक्सेना साहब, मैदान में उतरने से पहले धनराज भाटिया का पत्ता काट दिया। अरे साहब, जीजा जी को मैदान में अकेले दौड़ने की आदत है, क्या है कि हारने का खतरा नहीं होता ना। अरे भाई सक्सेना भाई जी का रिकॉर्ड है, इनके सामने भला कोई टिका है? सक्सेना साहब, मेरे गले में पट्टा डाल के मुझे कुत्ता बना लीजिए, लेकिन मुझे धुतकारिए मत, ये मेरा 1 करोड़ रुपए का चेक स्वीकार कर लीजिए। ये किस खुशी में? अपने धंधे में छोटा मोटा पार्टनर बना लीजिए ताकि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। सावन साहब घबराइए मत,
मुझे जिस वक्त पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपके पास चल कर आऊंगा। अरे दीदी क्या बात है, आज वो वर्मा साहब नहीं दिख रहे? वो एयरपोर्ट गए हैं अपने बेटे को लाने, करण को। ओ, वो अमेरिका से आ रहा है ना। ओह ओह माय गॉड, रिडिकुलस। व्हाट द हेल डैड, एयरपोर्ट से आप मुझे सीधा सक्सेना अंकल की पार्टी में ले आए जस्ट बिकॉज ही इज योर फ्रेंड? वो आपके दोस्त हैं? दोस्ती गई भाड़ में, मेरी दोस्ती तो सिर्फ माल से है। सक्सेना इस शहर का सबसे मालदार आदमी है, उसकी एक इकलौती बेटी है और तू मेरा इकलौता बेटा। बहुत दूर की कौड़ी लाए डैड, आई एम इंप्रेस्ड। क्यों मैं? यू राइट करण, यू राइट। एक बात मत भूलना बेटे, जाते ही उसके पैर छू लेना। ओह नो डैड, डोंट यू बिहेव लाइक अ पुअर इंडियन। अरे तू इन हिंदुस्तानी रईसों को नहीं जानता बेटे, बात तो ये पिज्जा बर्गर और सैंडविच ही करते हैं लेकिन हजम सालों को सिर्फ रोटी होती है। और बेटे हमें अपनी दाल रोटी का भी तो ख्याल रखना है, समझ गया? यू आर वेरी स्मार्ट डैड, वेरी स्मार्ट। अरे रे रे रे, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। विदेश में रहते हो भी हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं बोला। बेटा पढ़ाई पूरी हो गई? अरे क्या बात करते हो सक्सेना, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लेकर आया है, वो भी MIT यूनिवर्सिटी से। वेल डन बॉय, वेल डन। आगे क्या करने का इरादा है? हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे फ्लाईओवर्स, ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ कि सारी दुनिया देखते रह जाए। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। मुझे भी ऐसे नौजवान लड़के की तलाश थी। आओ तुम्हें अपनी बेटी से मिलाता हूँ। दिव्या जी। पापा। ये है मेरी बेटी दिव्या और ये है मिस्टर करण, तुम्हारे वर्मा अंकल के बेटे। नाइस टू मीट यू। MIT यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट। मुंबई में बहुत सारे फ्लावर्स बनाना चाहते हैं। He's a very bright boy. No, I really mean you. You know what? What the hell, you bloody old man? बदतमीज आदमी। मेहमान के साथ ऐसे पेश आते हैं? माफ कर दीजिए मालिक। I'm sorry, my boy. Enjoy yourself. Idiot. अब्दुल चाचा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? माफ कर दीजिए। ओ दिव्या, डोंट बिहेव लाइक अ पुअर इंडियन। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम अपना वक्त खराब कर रही हो इस बास्टर्ड के लिए। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर करण, इंग्लिश की गालियां मुझे भी देनी आती हैं। ये अब्दुल चाचा हैं, जो पापा का थप्पड़ खा कर भी हाथ जोड़े खड़े हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी तरह नमक हराम नहीं है। तुम तो जिस देश का खाते उसी को गाली देते हो। पुअर इंडियन मैं नहीं, पुअर इंडियन तुम हो। बास्टर्ड ये नहीं, बास्टर्ड तुम हो करण। राजू जरा हथौड़ी देना। अरे हथौड़ी देना यार। सुंदर, अति सुंदर। अरे मेरा सर फोड़ दिया और बोलता अति सुंदर? सर नहीं, कन्या। दाई वाली तेरी, बाई वाली मेरी। जरा सुनिए। हाँ कहिए जी। हमें पता जानना है। गंगू बाई की चाल, पहला माला, तीसरी गली, फारस रोड। ये किसका पता है? मेरा, मेरा पता है। लेकिन हमें तो शाम का पता चाहिए। क्यों दिव्या? क्यों चाहिए शाम का पता? यही है श्याम के बड़े भाई राम। अच्छा तो आप लोग पता ढूंढने आई हैं? जी वो हम श्याम के क्लासमेट से और हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तो वो कॉलेज में मिलेगा। लेकिन वो तो 4 दिन से कॉलेज नहीं आया। कॉलेज नहीं आया क्यों? जी वो क्या है ना कि श्याम के गरीब दोस्त के पास फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो श्याम ने अपनी फीस उसके नाम जमा करा दी। शायद उसने डर के मारे आपको बताया नहीं होगा। उसमें डरने की क्या बात है? अगर एक दोस्त मुसीबत में और एक दोस्त के काम नहीं आया तो फिर किस काम का? जी हाँ, लेकिन अब श्याम के दोस्त ने उसकी फीस जमा करा दी है। क्या आप श्याम को बता देंगे कि अब उसका नाम कॉलेज से नहीं कटा है? अच्छा हम चलते हैं। चलो दिव्या। सुनिए, तुम्हारा ही नाम दिव्या है? जी। तुम्हारी नोटबुक श्याम की नोटबुक से बदल गई थी। तो तुम ही मेरे श्याम की दिव्या हो। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी वो बिजनेसमैन है। कौन सा बिजनेस? जी सक्सेना पिस्टन और गियर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। क्या नाम है उनका? रंजीत सक्सेना। हाँ।
लड़की को मैं सपना की तरह मरने नहीं दूंगा। तुम मेरे भाई से प्यार करती हो? जी हाँ। प्यार में मेरे भाई का नंबर क्या है? जी सीधी सी बात है, तुम जैसी अमीर जादियों के सैकड़ों आशिक होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ मेरे भाई का नंबर क्या है। पहला और आखिरी, मैं आपसे वादा करती हूँ भैया, आपके घर मेरी डोली आएगी और मेरी अर्थी जाएगी। इरादे तो बुलंद हैं, लेकिन हकीकत की दहलीज पर कदम रखते ही तुम्हारे ये इरादे चूर चूर हो जाएंगे। हकीकत? हकीकत देखो, गौर से देखो, यही वो सड़क है जहाँ शादी के बाद तुम्हें रोज आना जाना पड़ेगा। हम लोग गंदी नाली के कीड़े हैं ना, ये देखो ये गंदी नाली और उसके हम कीड़े। आओ ये देखो, यहां तुम्हें रोज आना होगा। उस नलके को देखो, रोज तुम्हें इसमें से पानी भरना होगा, वो भी लाइन में खड़ी होकर। जो खुद दूसरों की नौकरी करते हैं वो तुम्हारे लिए नौकर कहां से रखेंगे? आओ। ये 16x16 की खोली है हमारी, यहां रहते हैं हम लोग। इससे बड़ा तो तुम्हारे घर का बाथरूम होगा, है ना? वो देखो, वो चटाई है, इस चटाई पर तुम्हें सोना पड़ेगा। मखमल के गद्दे पर सोती हो तुम, नींद आएगी इस पर? नहीं ना। आओ इस चूल्हे को देखो, शहर में दंगा फसाद होता है तो ये कम्बक चूल्हा भी हड़ताल कर देता है। कभी कभी दो दिन तक खाना नहीं बनता, पानी पीकर सो जाते हैं। और जब तुम यहां बहू बनकर आओगी ना, इस चूल्हे को तुम्हें ही फूंकना होगा। फूको, अरे फूको। बड़े बड़े दावे कर रही थी डोली की, अर्थी की, गरीबी के पहले इम्तिहान में ही तुम फेल हो गई हो। मैं फेल होंगी आपास, ये मैं नहीं जानती, लेकिन शाम को पाने के लिए मैं बड़े से बड़ा इम्तिहान देने को तैयार हूं। रियली कमाल का चिकन है, लेकिन जरा संभल के खाना। अरे आ गई तू, चल खाना खा ले। नहीं मम्मी, खाना मैं अपने कमरे में ही खाऊंगी। कमरे में? लेकिन कमरे में क्यों खाओगी बेटा? वो क्योंकि मैं एक इम्तिहान दे रही हूँ मामा। इम्तिहान? What's the problem? खाना ऊपर ही खाने दीजिए ना। Do you know जीजा जी, उसका हाफ ईयरली चल रहा है, एग्जाम होने वाला है। पढ़ाई में इतनी लगन है तो इम्तिहान में जरूर पास होगी। लो बेटी तुम्हारा खाना। चाचा हाँ? आपको मेरी कसम, मैं जैसा कहूंगी आप वैसा ही करेंगे और मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। चाचा ये खाना ले जाकर किसी जरूरतमंद को खिला दीजिए। लेकिन बिटिया। चाचा मैंने कहा था ना कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ठीक है जैसी तेरी मर्जी है। आइगो बेबी जमीनी पर झूठ लिया है। मालकिन मालकिन क्या है? बेबी जमीनी पर झूठ लिया है। क्या? अरे इसे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग, लेकिन तू जमीन पे क्यों सोई है? क्योंकि मैं इम्तिहान दे रही हूँ। इम्तिहान? लेकिन तेरे इम्तिहान का जमीन पर सोने से क्या रिश्ता है? प्यार का रिश्ता। प्यार का? हाँ मम्मी, बड़ी प्यारी नींद आती है इस पलंग पे, इस पे सोंगी तो इम्तिहान में फेल हो जाऊंगी। कि तू कैसा इम्तिहान दे रही बाबा जिसमें तुझे जमीन पर सोना पड़ रहा है? पता नहीं तुझे नींद आई भी या नहीं। आज नहीं आई मम्मी, लेकिन कुछ दिनों में आने लगेगी। ये क्या पागलपन है दिव्या, पूरे 4 दिन हो गए और तूने खाना पीना छोड़ रखा है। मेरे होने वाले जेठ ने मुझसे कहा था कि कभी कभी हमें एक वक्त का खाना ही नसीब होता है, और इसलिए अब तो मुझे भी दोनों वक्त भूखे रहने की आदत पड़ चुकी है। दीपा
दिव्या, मिस्टर राम, मैं दिव्या की सहेली हूँ और आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप दिव्या का इम्तिहान लेना चाहते हैं या उसकी जान लेना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिव्या मोहब्बत के जुनून में इस कदर पागल हो गई है कि वो खुदकुशी पर उतर आई है। जानना चाहती हूँ कि मैं आपके इम्तिहान में पास हुई या फिर क्या कहूँ? ये एक अजीब इम्तिहान है, इसमें इम्तिहान लेने वाला खुद फेल हो गया। अब जो होगा देखा जाएगा सक्सेना। शाम 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 जरा गौर से देखिए, आपकी बेटी ने पर्चा नहीं दिया बल्कि पर्चे में किसी को अपना दिल दे दिया है। सिर्फ आपकी वजह से मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दोबारा उसने ऐसी गलती की तो मैं उसे रेस्टिकेट कर दूंगा। इट्स माय वार्निंग मिस्टर सक्सेना। दिव्या जी पापा। कम या जी पापा। ये शाम कौन है? कौन शाम? वो जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। शाम, ये शाम, शाम, शाम। तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या उस आवारा लड़के के साथ गुलछरे उड़ाने? पापा, शाम आवारा नहीं। शट अप! तुम्हारी वजह से तुम्हारे एक मामूली से टीचर के सामने मुझे जलील होना पड़ा। कोई परवाह नहीं है पापा, क्योंकि शाम ने मुझे जो प्यार और इंसानियत का पाठ पढ़ाया है उसके आगे मुझे और कुछ बनने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो भाई, तुम लोगों में से श्याम कौन है? मैं हूं श्याम। क्या काम है बाबा? बेटे तुम दिव्या को जानते हो ना? हाँ बाबा। उसके पापा ने कल शाम को 5 बजे तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया बाबा? बेटे ये तो मैं नहीं जानता लेकिन बुलाया है तुम्हें। अच्छा बाबा। ये तुम्हें बुलाने आए थे? हाँ, हाँ भैया, पता नहीं कल घर पे बुलाया है। घोड़े की तरह बड़ा हो गया है फिर भी ये नहीं समझ पा रहा है कि लड़की का बाप लड़के को किस लिए बुलाता है। घबराना नहीं, बड़ा भाई होने के नाते रिश्ते की बात करने नहीं जाऊंगा। बेटा अगर तुम चाहो तो मैं भी चलूं। नहीं चाचा, उस जगह तो मुझे अकेले ही जाना है। चाचा, दिव्या के पापा मुझसे मिलना चाहते थे तो भैया मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? इसलिए बेटे कि तेरा भाई अच्छी तरह जानता है कि जब जंग का बिगुल बज चुका हो और दुश्मन जाना पहचाना हो तो जीत उसी की होती है जो वार पहले करता है। मालिक, श्याम का भाई आ गया। Thank you.
ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं सक्सेना, तू तेरी नस्ल की चीज लाया है और मैं अपनी नस्ल की चीज लाया हूं। दो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अगर तेरी बेटी मेरे भाई से प्यार नहीं करती तो मैं यहां थूकने भी नहीं आता। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं अपनी बेटी का गला घोट दूंगा, लेकिन उसकी शादी तेरे भाई के साथ कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि जो गलती तूने पहले की उसे दोहराने की कोशिश मत कर। बोल, अपने भाई को मेरी बेटी की जिंदगी से हटाने की कीमत क्या लेगा? सौदागर तो तू है, तू बता तू क्या कीमत देगा? 1,00,000। एक अरबपति बाप की इकलौती बेटी के दिल की कीमत सिर्फ 1,00,000? 5,00,000। मेरे भाई के इशारे पर तेरी बेटी अपना दिल निकाल कर रख देगी, उसी को उठाकर अगर बेच दिया ना सक्सेना तो 5,00,000 से ज्यादा मिलेगा। 10,00,000। आजकल दुनिया में मोहब्बत की बहुत शॉर्टेज है सक्सेना, इतनी कीमती चीज की इतनी सस्ती बोली लगा रहा है। 15,00,000। तुझसे तो यह भी नहीं कह सकता कि दिल खोल के सौदा कर, क्योंकि तेरे पास दिल तो है ही नहीं। बीस लाख बस। ये मत भूल, ये कीमत तेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। किसकी कितनी हैसियत है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं जानता था तू पैसों की ही बात करेगा, इसलिए अपने आदमियों को पहले ही बुला लिया था। अब्दुल जी। मालिक। मालकन से 20,00,000 रुपए लेकर आओ। ठीक है। चलो। सुनो, तूने पैसा तो ले लिया, लेकिन एक बात याद रख, तेरा भाई मेरी बेटी से कभी नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूं सक्सेना कि मेरा भाई तेरी बेटी से कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तेरी बेटी मेरे भाई से मिलना चाहेगी या मिलेगी तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। अपने भाई को रोकूंगा मैं, और तेरी बेटी को रोकेगा तू। ये आपने क्या किया भैया? मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी शादी की तारीख लेकर आएंगे, और आप ये पैसे लेकर आ गए। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ये आप कह रहे भैया? आप जिनकी खुददारी की कसमें लोग खाते हैं, जिनके स्वाभिमान को अपना भगवान मानकर मैंने जिंदगी भर पूजा की, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं भैया कि यह सोचकर भी मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि आपने इस हराम की दौलत के लिए अपने जमीर को बेच दिया। तू मुझे गलत समझ रहा है, मैं अपने जमीर को बेचकर नहीं गिरवी रख कर आया हूं। गिरवी मेरे सामने सिर्फ यही रास्ता था उस घमंडी का सर नीचा करने का। तू जानना चाहता था ना कि आज तक मैंने शादी क्यों नहीं की? तो सुन, इसी मगरूर आदमी ने पहले भी मुझे इसी तरह खरीदने की कोशिश की थी। जानता है क्यों? क्योंकि जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी वो कोई और नहीं थी, इसी रंजीत सक्सेना की इकलौती बहन थी। सपना नाम था उसका। सपना? सपना तुम्हारे बदन से एक अजीब सी खुशबू आती है जो मुझे दीवाना बना देती है।
जब भी मैं तुमसे मिलकर दूर जाता हूँ ना, बहुत देर तक मेरे बदन से तुम्हारी खुशबू आती रहती है। तुम्हें ये खुशबू बहुत पसंद है ना? बहुत। तुम्हें ये भी पसंद होगा कि ये खुशबू मेरे बदन से हमेशा आती रहे? बिल्कुल। तो ये परफ्यूम है जिसे तुम्हें हर महीने मुझे लाकर देना होगा। ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 1500 रुपए। तेरी तो और मेरी सारी खुशियां जलकर राख हो गई। मुझे पता नहीं था भैया, अपने सीने में इतना बड़ा दर्द उठाकर आपने मेरी परवरिश की है। मुझे आपके इस दर्द का जरा भी एहसास होता ना भैया, आपकी कसम मैं दिव्या की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। घबरा मत, जो खेल सक्सेना ने मेरी जिंदगी के साथ खेला है वो खेल मैं तेरे साथ नहीं खेलने दूंगा। अब की ये बाजी मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। श्याम, श्याम, मैं सारी रात सो नहीं पाई। श्याम, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारे भैया ने हमारी मोहब्बत को 20 लाख में बेच दिया है। मुझे अपने पापा की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो मुझे तुमसे अलग करने के लिए इससे भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। श्याम, मुझे यकीन है तो सिर्फ तुम्हारा। तुम कह दो श्याम तुम्हारे भैया ने पैसे नहीं लिए। प्लीज श्याम, तुम्हें मेरी कसम, ये सच है, सच, और इसके लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। तुम ये समझ लो कि ये पैसे मेरे भैया ने नहीं, मैंने लिए हैं। मैंने वर्मा से मैंने बात कर ली है, और वैसे भी जो करण है मुझे लड़का बहुत अच्छा लगता है, एम्बिशियस है। दिव्या, पापा आप जहां चाहे मेरी शादी कर सकते हैं, ऐसा जान चुकी हूं। नमस्कार साहब, आपको शायद याद होगा आज से 5 साल पहले नेशनल गैरेज में आप एक मैकेनिक से मिलने आए थे, जिससे आपने नौकरी, गाड़ी, फ्लैट और 50,000 रुपए तनख्वाह ऑफर किया था। हाँ, याद आया मुझे, पर तुमने आने में बड़ी देर कर दी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी फैक्ट्री में ताला लग चुका है। तुम जले पर नमक छिड़कने आए हो? अब मुझे गलत मत समझिए, मैं आपकी फैक्ट्री खरीदने आया हूँ। तुम और मेरी फैक्ट्री खरीदोगे? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी फैक्ट्री की कीमत क्या है। 100 करोड़। बैठिए, यह 5 लाख रुपए बतौर एडवांस के, और यह है फैक्ट्री का एग्रीमेंट जिसमें हमने लिखा है कि 10 महीने के अंदर अंदर अगर पूरा पैसा हमने वापस नहीं किया तो ये 5 लाख रुपए एडवांस के, और फैक्ट्री में जो कुछ भी मैं इन्वेस्ट करूंगा वो सब आपका है। या तो तुम्हें अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास है, और या फिर तुम किसी से पुराना बदला चुकाना चाहते हो। आपकी दोनों बातें सही हैं। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि उस आदमी का नाम क्या है? रंजीत सक्सेना। ये लो, आज से फैक्ट्री तुम्हारी हुई। शुक्रिया साहब। ठहरो, इसे भी साथ लेते जाओ। जिस आदमी ने मुझे बर्बाद किया है उसे बर्बाद करने के लिए अगर तुम 100 करोड़ का जुआ खेल सकते हो तो क्या मैं 5 लाख दांव पे नहीं लगा सकता? फैक्ट्री तो काफी बड़ी खरीदी है राम भाई ने, मगर मशीन की कंडीशन देखनी पड़ेगी। काफी दिनों से बंद पड़ी थी ना ये फैक्ट्री, अब मस्ती वस्ती बंद है। भैया, ये फैक्ट्री तो आपने खरीद ली, अब इसके वर्कर्स कहां से आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे,
सक्सेना की फैक्ट्री का एक एक वर्कर इस फैक्ट्री में आएगा। वो कैसे? तू एक काम कर, कल अखबारों में ये इश्तहार दे दे, ये राम पिस्टन इंडस्ट्री को वर्कर्स चाहिए दुगनी तनख्वाह पर। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। ये बहादुर कहां मर गया? जी पता नहीं, आइए आप आइए। कहां मर गए सबके सब? भाई जी कहीं आज छुट्टी तो नहीं से? ए गुड मॉर्निंग सर। ये सबके सब कहां गए? राम पिस्टन इंडस्ट्रीज। राम पिस्टन इंडस्ट्रीज? यस सर, वो दुगनी तनख्वाह दे रहा है इसलिए सभी वहां भाग गए। अरे तो तू क्यों नहीं गया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुलुक गया था आज ही लौटा हूँ। भाई जी ये राम पिस्टन इंडस्ट्रीज के भला से है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। यहाँ क्या कर रहा है तू? भी यहाँ आ जा, डबल तनख्वाह मिलेगी। शट अप। वही चेहरे वही लोग, लगता है सर अपना सारा स्टाफ यहाँ आ गया है। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकते। कल तक साहब के यहाँ नौकरी करती थी, आज परमिशन मांगेंगे, हिम्मत। हट। सॉरी मिस्टर सक्सेना, बिना परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते। ये है विजिटर स्लिप, राम भाई से परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ राम भाई, ये आए हुए हैं। आप जा सकते हैं। आप नहीं। आओ सक्सेना आओ। तू हैरान हो गए मुझे देखकर, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था तुम यहां जरूर आओगे। दौलत मिलते ही गिरगट की तरह रंग बदलने लग गया। तू क्या समझता है कि मेरे भीख के दिए हुए चंद रुपयों से तू करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री खड़ी कर लेगा? तुम्हारी भी सुन लूंगा। तुम शायद सोच रहे होगे कि तुम्हारे कपड़े ना खराब हो जाए, है ना सक्सेना? मेरे ऑफिस का कालीन भी तुम्हारे कपड़ों से कहीं ज्यादा साफ है। तो क्या समझता है अपने इन घटिया चालों से मुझे बर्बाद कर देगा? ज्यादा से ज्यादा एक दो रातों की नींद हराम कर सकेगा बस। पर जब यही लोग डबल तनख्वाह के लिए अगले महीने लाइन में खड़े हो जाएंगे ना, तो तेरा क्या होगा? जिंदगी हराम हो जाएगी तेरी। मेरी छोड़ और अपनी फिक्र कर सकते ना। लोगों की कुंडली में तो राहु केतु और शनि बैठते हैं, तेरी कुंडली में तो मैं बैठ के हूं सक्सेना। राहु केतु और शनि को हटाने का उपाय तो जोशी बता देगा, लेकिन मुझे हटाने का उपाय तुझे कौन बताएगा? हरामजादा। इस हाथ को संभाल कर रख सक्सेना, इस हाथ से भी हाथ धो बैठेगा तो भीख मांगने के लिए कटोरा कैसे पकड़ेगा? बाल उखाड़ने से आदमी का वजन कम नहीं होता। एक मिनट, कल मेरी फैक्ट्री का उद्घाटन है और कल तेरी फैक्ट्री का एक एक वर्कर मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। मैं भी देखता हूं कि मेरे वर्कर्स तेरी फैक्ट्री के अंदर घुसते कैसे हैं। हाँ इनका नाम लिस्ट में है, आप जाइए। शंकर। आपका नाम? बब्बन। राम आप भी जाइए। हेलो राम, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं किसी भी वर्कर को तेरी फैक्ट्री में घुसने नहीं दूंगा। अब देख,
उन वर्कर्स को रोकने के लिए मैंने अपने गुंडे भेज दिए हैं। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हम पुराने मजदूर हैं, पहले हमें अंदर लेना पड़ेगा। हाँ, वरना नए मजदूर अंदर नहीं जाएंगे। अब तो ये सोच रहा होगा कि पुलिस को बुला लूं। डोंट वरी, ये काम भी मैंने कर दिया है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि राम पिस्टन इंडस्ट्रीज के बाहर नए और पुराने वर्करों के बीच में दंगा होने वाला है। और देख, अगर तेरा एक भी आदमी आगे बढ़ा तो मेरे गुंडे उसकी पिटाई कर देंगे। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ेगी और इस बीच मेरा आदमी गोली चला देगा। पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। और अगर एक भी गोली तेरे आदमी को लग गई तो कोई भी वर्कर तेरी फैक्ट्री में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। तू अपनी कमेंट्री चालू रख सकसेना, क्योंकि मैदान में बैटिंग करने अब मैं जा रहा हूं। मेरी मांगे पूरी करो। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। आप? जी, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं। देखिए, ये मालिक और वर्कर्स के बीच का मामला है, आप मुझे एक मौका दें, मैं इन लोगों को समझा दूंगा। ठीक है। अब भाई, तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है? सेठ जी, हम ही फैक्ट्री के बहुत पुराने वर्कर हैं। हमार होते हुए आपने ये लोगों को नौकरी कैसी दे दी? अगर एक भी आदमी अंदर चला गवा तो लाशों का ढेर लगा दे हम। हाँ। बस इतनी सी प्रॉब्लम? अरे, इसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? जब मैं इन लोगों को दुगनी तनख्वाह देकर नौकरी पर रख सकता हूं, तो तुम लोगों को दोबारा नौकरी पर क्यों नहीं भर्ती कर सकता? चलो, तुम लोगों को फिर से नौकरी पर रख लिया, अब हड़ताल छोड़ो और अंदर जाओ। चलो। ये का गेम खेलत बा भैया? छुट्टन, ये नीति तो हमार समझ में भी नहीं आई रे। आप लोगों को हॉल में जमा होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों की भर्ती हो गई है, जाइए अपना अपना काम कीजिए। जाइए, जाकर हॉल में जमा हो जाइए। इनसे कहिए जाने के लिए आप लोगों को नौकरी चाहिए थी, नौकरी तो मिल गई, अब जाइए अंदर। चलो देखें क्या होता। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बंद करो। तुम लोगों का कहना है कि तुम लोग इस फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स हो, लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि फैक्ट्री बहुत दिनों से बंद थी, इसलिए यह देखना बहुत जरूरी है कि तुम लोग के हाथ पांव में वही ताकत है कि नहीं। शाम, चाबी। ये चाबी लो और ये शटर खोल दो। Yeah.
सक्सेना, अब तक तो भोला पांडे राम की हड्डियों का सुरमा बनाकर अपनी आंखों में लगा चुका होगा। हेलो सक्सेना, मैंने अपनी फैक्ट्री की सफाई की है, कचरा भेज रहा हूं, रिसीव कर लेना। अरे छुट्टन, तू यहीं रुक, मैं आता हूं इनकी झड़प खा के। सक्सेना भाई, राम ने अपनी चलाकी से आपकी चाणक्य नीति को फेल कर दिया और हमको उल्लू बनाकर भीतर ले गया और हमारी दुराई कर दी। ये दफा तो हमको मात देगा वह, पर आगे उका ना छोड़े हम। अरे अरे खुशखबरी सुनो। अरे क्या? राम भाई की गियर इंडस्ट्री शुरू हो गई है। अरे भैया दूसरी खुशखबरी हमसे सुनो। अरे कौन सी खुशखबरी भाई? आज अपने मोहल्ले में शूटिंग होने वाला है। अरे मगर हीरो कौन है ये तो बता। अरे वही जो सबको ज्यादा हंसाता है। अरे कौन? वही जो सबको ज्यादा रुलाता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे अपने छोटे सरकार की, जो सबका दुलारा है, अपना राजा बाबू। इसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो गई है, इसे वहां फिट करो। इसका रेडियस रॉन्ग है यार। क्या बोल रहे हो वर्मा? हाँ सक्सेना, दुगनी तनखा के चक्कर में तो उन्होंने प्रोडक्शन का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। यही नहीं अंकल, उसके पिस्टन की क्वालिटी आपके पिस्टन की क्वालिटी से कहीं बेहतर है। मच सुपीरियर यू नो। मैंने सुना है कि उसने अपने पिस्टन में कुछ ऐसा फेरबदल किया है कि उसका पिस्टन हमारे पिस्टन से 10 साल ज्यादा चलेगा। अगर उसका पिस्टन मार्केट में आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुड बी अ बिग प्रॉब्लम यू नो। वर्मा एक काम करो, हमारे पिस्टन की कीमत 500 रुपया कम कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ वर्मा, एक बिजनेसमैन के रूप में मेरा तजुर्बा है कि लोग आजकल माल की क्वालिटी को नहीं उसकी कीमत को देखते हैं। भैया सक्सेना ने अपने पिस्टन की कीमत 500 रुपए कम कर दी। तो उसमें घबराने की क्या बात है? तू एक काम कर, तू अपने पिस्टन की कीमत 500 रुपया बढ़ा दे। क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं तो ऐसा कर के गैरेज मैकेनिक्स का कमीशन 500 रुपया और बढ़ा दे। 500 रुपए? देख भाई, 8 साल की उम्र से मैं गैरेज में काम कर रहा हूं और मेरा तजुर्बा यह है कि दुनिया में कोई भी माल की कीमत नहीं देखता, अपना कमीशन देखता है। ओए भाई, इंजन ऑयल देना 1 लीटर का, मारुति का ब्रेक लाइनर, एयर फिल्टर और राम पिस्टन। फटाफट। राम पिस्टन नहीं है, है? राम पिस्टन नहीं है। नहीं है, नहीं है तो तब बढ़िया फिरदा है, जो रट लिया वही बोलता है नहीं है। कटो राम पिस्टन। ओए छड्डो जी, की रखा है राम पिस्टन में? यूसुफ भाई नया नया मार्केट में आया। नहीं नहीं तो अपनी जनानी की समझ नहीं आती। ओए 3 महीने लग गए थे अपनी जनानी को हर तरफ से देखते देखते, और तू ये बता तुझे 2-3 महीनों में राम पिस्टन की समझ कैसे आ गई? सरदार जी 3 महीने दी की गल है, अपनी जनानी तो शादी से पहले ही समझ में आ गई थी। नवी हो या पुरानी, चीज ठोक बजा के लेने की आदत है अपने को। खैर छड्डो, राम पिस्टन है तो बोलो वरना राम राम। और यार अपना बाकी का सामान तो ले जा। ओदा अचार पाओ तुसी पाजी। सरदार जी, पिछले 3 दिनों से राम पिस्टन के चक्कर में अपना दूसरा माल भी नहीं बिक रहा है, ऐसे में धंधा भला कैसे चलेगा? और मिट्टी पा सकते हैं ना दे पिस्टन थे, आज से सिर्फ राम पिस्टन बिकेगा थे। हाँ गिरधारी बोलो। क्या जोधपुर से सारा माल वापस आ गया? राम पिस्टन इंडस्ट्री? हाँ, 200 बड़ी माल चाहिए। हाँ पहुंच जाएगा, फिक्र मत करो, कल तक पहुंच जाएगा। अरे आप घबरा क्यों रहे, माल पहुंच जाएगा। हेलो, हाँ सिंह साहब बोलिए, भोपाल से माल वापस आ गया है? देखा भैया, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता, हिंदुस्तान के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम का डंका है और वो है राम पिस्टन इंडस्ट्री।
अंकल, हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से हमारा माल वापस ना आया और पहले से ही लाखों का माल पड़ा गोदामों में सड़ रहा है। सुनो भाई, पहले ही से करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से तुम वर्कर्स को दुगनी तनख्वाह दे रहे हो, इस तरह तो तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा सक्सेना। भाई जी, गोडाउन में तो तिल भर रखने की जगह नहीं, से ऊपर से चार ट्रक और आ गए हैं, कहां रखूं? मेरे सर पे रखो। पर यहां तो एक ही पेटी आवेगी, चाहे जितनी कोशिश कर लो तीन से ज्यादा नहीं आवेगी। बंद करो ये पिस्टन फैक्ट्री, ताला लगा दो साली को। ये रहा आपका बाकी का चेक ब्याज के साथ। राम, तुमने तो कमाल कर दिया, अभी 10 महीने में 10 दिन बाकी है और सक्सेना को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। नहीं भाटिया जी, अभी वो बर्बाद हुआ कहां है, अभी भी उसके गियर फैक्ट्री बाकी है, अभी लोग उसे अरबपति कहते हैं। हरे मुरारी, जय गोपाल जय गोपाल। आइए आइए बैठिए। प्रबंध तो बहुत बढ़िया किया है। वाह। यजमान, तुम्हारे लला की रेखाएं बता रही है कि तुम्हारी जन्म कुंडली के चौथे स्थान में राहु, केतु और शनि अपना स्थान जमाए हुए हैं और आने वाली बर्बादी की व्यथा चिल्ला चिल्ला कर बखान कर रहे हैं और 7.5 का काला साया तुम्हारे सर पे चिलकब्बों की तरह परिक्रमा कर रहा है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ यजमान के तुम हाथ में कटोरा थामे चौराहे पे खाक छान रहे हो। शट अप! मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने लिए नहीं, अपनी बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया है। तो लाइए बेटी की कुंडली, लाइए। ये लीजिए। हरे मुरारी हरे मुरारी। कन्या के ग्रह बता रहे हैं यजमान कि आज से ठीक 1 महीने और 4 दिन के बाद 11:03:04 पर कन्या का कन्यादान आपके अशुभ हाथों से, क्षमा कीजिएगा, आपके शुभ हाथों से कन्या का कन्यादान हो जाना चाहिए। ये लीजिए कन्या की कुंडली। जय श्री कृष्ण। कोई बात नहीं पंडित जी, ले जाइए। ले जाऊं? हरे मुरारी हरे मुरारी। आना रवि, बैठना। तुझे मालूम है दिव्या की शादी हो रही है? शादी किससे? उसके पापा का डीलर है विजय वर्मा, उसके बेटे से। ये सब कैसे हो गया यार? तेरा दिल तो उसके नाम से धड़कता था और उसका दिल तेरी आहट पर, फिर ये कैसे? जिंदगी की कुछ मजबूरियां हैं दोस्त, कुछ वो मजबूर है, कुछ मैं मजबूर हूं। उसके बगैर तू रह पाएगा? रह तो नहीं पाऊंगा। वैसे इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत के बगैर जी लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे जीते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे जीते, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे जीते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे जीते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे जीते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे जीते हैं। ओम नमो भीमा शंकराय नमः, ओम नमो कुलदेवी नमः, ओम शरणागतनाथ परित्राण परायणी सर्वसाधी हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते, ओम नमो गणपतये नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम भीमाशंकराय नमः, ओम विष्णुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यार्थगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक्सक्यूज मी सक्सेना, मैं अभी आया।
तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? इसलिए कि सक्सेना की डीलरशिप छोड़कर मेरे साथ काम शुरू करो। ये तो हो ही नहीं सकता। जरा सोचो वर्मा, सक्सेना के पास अब राह क्या है? एक बची कुची गियर इंडस्ट्री। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कल मैं अपनी एक गियर इंडस्ट्री लॉन्च कर रहा हूं। सक्सेना की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए। तुम मुझे डराना चाहते हो? तुम्हें समझाना चाहता हूं कि सक्सेना अब एक गिरती हुई इमारत है, और गिरती हुई इमारत के परिंदे भी अपना घोंसला छोड़कर दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं। जरा सोचो वर्मा, सक्सेना की एक पिस्टन इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो तुम्हारा एक शोरूम बंद हो गया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बचा कुचा शोरूम भी बंद हो जाए और तुम सड़क पर आ जाओ? और अपने साथ मिलाकर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगा। जितना कमीशन सक्सेना तुम्हें देता है, उसका दुगना कमीशन मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें यह शादी रुकवानी होगी। ओम नमो विष्णुवे नमः। वरुदेव का गठबंधन कीजिए। ओम नमो गणपतये नमः। ओम वासुदेवाय नमः। शादी का मुहूर्त हो गया है। ओम धरो। ये शादी नहीं हो सकती। वर्मा, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। उठ जागरण। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती। अभी अभी मुझे एक शुभचिंतक से पता चला है कि तेरी बेटी चरित्रहीन है। क्या बकवास कर रहा है वर्मा? होश में तो हो तुम? मेरी बात का यकीन नहीं आता तो पूछ अपनी बेटी से, ये कॉलेज में इसका किसी लड़के से चक्कर चल रहा है या नहीं। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठ। डैड, ये तमाशा कर रहे हैं आप। मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप उठ जा यहां से। सॉरी डैड, शादी मेरी हो रही है और मेरी शादी में आपको दखल देने का कोई हक नहीं। अरे तू क्या शादी करेगा मेरी बेटी के साथ? मैं खुद तेरे जैसे कुत्ते के पिल्ले के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। सक्सेना अंकल, शट अप। ये तेरा बाप आस्तीन का सांप, कल तक मेरे आगे पीछे दुम हिलाता फिरता था, दोस्ती की कसमें खाता था, आज भरी महफिल में मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा है। वर्मा, मैं जानता हूं कि तू कहां से बिक कर आ रहा है और अपनी जात दिखा रहा है। क्या मेरे तलवों की मिठास कम हो गई थी कि अब तू राम के तलवे चाटने लगा है? सक्सेना, जबान को लगाम दो। शट अप। मैं तुम दोनों दोगले बाप बेटों को अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। शराफत से यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा मैं। डैड, चल। चुपचाप चल मेरे साथ। बेटी। भैया, भैया क्या ऐसा सच है कि दिव्या की शादी आपने रुकवाई? हाँ, तूने तो ठेका ले रखा है ना मेरी खुशियों के लिए अपने अरमानों की बलि चढ़ाने का। तुझसे पूछे बिना मैंने सक्सेना से पैसे ले लिए और तूने अपनी मोहब्बत को दांव पर लगा दिया। तेरे दोस्त ने तुझे दिव्या की शादी की खबर दी, तूने रात भर रोते हुए गुजार दी मगर मुझे खबर तक होने ना दी। लक्ष्मण ने तो अपने भाई के लिए सिर्फ 14 वर्ष का वनवास लिया था, तूने तो अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। भैया, अपनी दौलत के गुरूर में सक्सेना ने भले ही अपनी बहन को मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन मैं तुझे दिव्या से जुदा नहीं होने दूंगा। मेरी इस जंग का एक ही मकसद है मेरे भाई, तेरी और दिव्या की शादी। चलो, हमने सुना तुम लोगों की फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। क्या तुम्हें शर्मा सर ने बुलाया है? मुझे? हाँ। क्यों? पता नहीं, सिर्फ इतना कहा है कि शाम को स्पोर्ट्स हॉल में भेज दो। स्पोर्ट्स हॉल में? जी। थैंक यू।
लव यू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मद आलम पर इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हारा मद आलम पर इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हारा मद आलम पर इंतजार कर रही हूँ। हो राम जी, हाँ? ये कन्या बारिश में भीग कह रही है, हाँ? अरे ज़्यादा भीगेगी तो बीमार हो जाएगी। अरे बिटिया, इतनी बारिश में भीग कह रही हो, किसी का इंतजार कर रही हो का? ए, कहाँ घुसी जा रही हो? ये बंगला तो हर बाप का है का? अरे लगता है तोहरा के कहीं देखा हूँ, कहाँ रहती है तू? अब याद आया मैं कहाँ रहती हूँ? हाँ, ये बंधुआ के पीछे सर्वंत क्वार्टर में। मैं कौन? हमार पत्नी फूलवती। जाओ, अब तो नहीं भूलेगा ना? अरे नहीं नहीं, कभी नहीं। बुरा हो मेरे बाप का, किस भूलकर को मेरे पल्ले बांध दिया। हम थोड़ी गए थे तुम्हारे बाप से रिश्ता मांगने को। अरे बिटिया कहाँ भीग रही हो, बारिश में बीमार हो जाओगी। जाओ अंदर जाके मैम साहब के कपड़े पहन लो। जाओ दादा, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। अरे चिंता कछु नहीं करो, हम यहाँ हूँ ना। जाओ अरे हम तोहरा के बुलाई लेंगे। अच्छा। जाओ जाओ। हाँ अरे बेटा, अरे बेटा जी? अरे इतनी बारिश में भीग के बीमार हो जाओगे। जाओ अंदर जाके साहब के कपड़े पहन ले। जाओ। नहीं बाबा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ, वो आती होगी। अरे चिंता कौनो नहीं करो, हम यहाँ खड़ा हो ना। जाओ। अरे वो आएगी तो हम तो कब बुलाई लेंगे। जाओ। अरे लेकिन घर के मालिक? अरे वो तो सब बाहर गए हैं, हम तो सुबह से यहाँ खड़ा हो ना, चिड़िया भी अंदर नहीं गई है। अच्छा ठीक है। क्या हम कछो भूला तो नहीं हूँ ना? ना ना, हम तो कछो भी नहीं भूला हूँ। आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते सक्सेना साहब, हमें हमारा पैसा चाहिए और इसी वक्त चाहिए। देखिए भाई साहब, मैंने बहुतों के कर्जे चुकाए हैं, आप सब लोगों के भी कर्जे चुका दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और कितना वक्त दे, हमको सुना नहीं चाहते, हमें हमारा पैसा चाहिए बस। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, बात 8-10 करोड़ की है, इतना पैसा मैं अभी कहां से लेकर आऊंगा? पैसे नहीं, ये हवेली तो है, अगर कुछ दिनों में पैसे नहीं मिले तो यह हवेली नीलाम हो जाएगी, याद रखना। चलो। अस्सी लाख एक, अस्सी लाख दो, एक करोड़ पच्चीस लाख, एक करोड़ पच्चीस लाख एक, एक करोड़ पच्चीस लाख दो, दो करोड़, दो करोड़ एक, ढाई करोड़, ढाई करोड़ दो, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 5 करोड़। पांच करोड़ दो,
5 करोड़ 3। आपका नाम? राम। अब कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए, आज से यह बंगला हमारा है। मिस्टर राम, इस हवेली की कीमत जानते हैं आप? जानता हूं, 3 करोड़ रुपए। फिर भी आपने इसे 5 करोड़ में क्यों खरीदा? कुत्तों के लिए। आवारा कुत्तों के लिए। आज से इस बंगले में आवारा कुत्ते रहेंगे। मालिक, जिंदगी भर आप लोगों की सेवा की है। इन रगों में आप ही का नमक दौड़ा है मालिक। अगर आप बुरा न माने तो अल्लाह के फजल करम से सर छुपाने की जगह है मेरे पास, जो आप ही की दी हुई है। मालिक, एक बार, सिर्फ एक बार नमक का हक अदा करने का मौका दीजिए मालिक। मैं समझूंगा अल्लाह ने मेरी वफादारी का सिला दे दिया मालिक। किसी ने सच कहा है कि अगर घर में बुजुर्ग हो तो माँ बाप की कमी का एहसास नहीं होता। मुबारक हो राम भाई, सक्सेना का सब कुछ बिक गया, आपका मकसद पूरा हो गया। अब तो मेरा काम कर दीजिए जनाब। कौन सा काम? कमीशन के मेरे 10 लाख तो दे दो। कौन से 10 लाख? मेरे कमीशन के? आप ही ने तो कहा था कि कमीशन दुगना दूंगा। मैंने कब कहा था? क्या बात करते हैं राम भाई, मंडप पे अपनी गाड़ी में नहीं कहा था आपने? मंडप, गाड़ी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं राम भाई। मैं मजाक नहीं करता। तब तो आप यह भी कहेंगे कि आप मुझे जानते नहीं। कौन हो तुम? वाह राम भाई वाह, मतलब निकल गया है तो अपनी पीठ दिखा रहे हो, यह भी कोई इंसानियत है? सर से पांव तक बेईमानी की कीचड़ में सने हुए आदमी, तू इंसानियत की बात कर रहा है? पैसों के लिए भाई जैसे दोस्त की पीठ पे छुरा घोंप दिया, तू इंसानियत की बात कर रहा है? तू क्या समझता था सक्सेना को बर्बाद करने के लिए मैंने तुझे अपना लिया? बेवकूफ आदमी, ये तो सिर्फ मेरी एक चाल थी दिव्या की शादी तोड़वाने की। ये चाल तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। सलीम, जिस आदमी को उठाकर फेंक दो। चलो, ये चाल तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। चलो ना, चलो बाहर, चलो बाहर बाहर। आप क्या करने गए थे वहां? हाँ, पैसे कमाने गए थे, धक्के खाने गए थे? बोलिए। हाँ, दिव्या से शादी तोड़वा दी, सक्सेना ने आपको धक्के मारे, उसके दुश्मन से आपने हाथ मिलाया, उसने भी आपको धक्के मारे। नाउ यह बिकम अ धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। शराब, यू शराब डैड। किसने किया आपने ये सब? पैसे के लिए ना? हाँ, हाउ मच मनी डू यू वांट? कितना पैसा चाहिए आपको? ये देखिए, ये देखिए, देखिए, जानते हैं क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में फ्लाईओवर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट जो कि मुझे मिले हैं। देखिए रसीद, क्योंकि मेरे अलावा इस टाइप का फ्लाईओवर और कोई बना सकता। जानते हैं डैड कितना पैसा मिलेगा? हाँ, पटोरते पटोरते आपके दोनों हाथों में छाले पड़ जाएंगे। वाह बेटे वाह, मुझे नहीं मालूम था कि दौलत मेरी तरह तेरी भी कमजोरी है। नो डैड नो, मेरी कमजोरी दौलत नहीं, दिव्या है, और उसको हासिल करने के लिए मैं सारी दुनिया की दौलत को दांव पे लगा सकता हूं। And I mean it, I mean it. तुम लोग कहाँ घुसते चले आ रहे हो? अबे चुप है बुढ़े, ए सब सामान उठाकर बाहर फेंक दो। ये क्या जमीन हमारे मालिक ने खरीद ली है? इसका मतलब ये नहीं, आप क्या कर रहे हो? क्यों हो गया?
इस हरामी को हमने कितना अपना समझ रखा था। इसे तो भगवान कुत्ते की मौत मारेगा। लोग आसमान से गिरते हैं तो खजूर पर अटकते हैं, ये तो सीधे सड़क पे आ गिरा। और से करण, और देख करण जी तो जमीन से सीधा आसमान पे पहुंच गए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंट्रैक्टर बन गए। और तू जहर खड़ा है ना सक्सेना, वहाँ हमारा ये करण इतनी बड़ी इमारत बनाएगा कि तुम जैसे लोग वहाँ से कीड़े मकोड़े नजर आओगे। नहीं नहीं पांडे साहब नहीं, सक्सेना अंकल आखिर अपने ही आदमी है। सक्सेना अंकल, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती, आप चाहे तो शान और शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये रही आपकी फ्लैट की चाबी और ये रही आपकी कार की चाबी, इसके बदले मुझे सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। माना कि मैं गरीब हो गया हूं, लेकिन तू भी इतना अमीर नहीं हुआ है बेटे कि सक्सेना के जमीर को खरीद सके। आप क्या है, मैंने तो बड़े बड़े लोगों को बिकते हुए देखा है। लोगों को नहीं बेटा, अपने बाप जैसे दोगलों को। रस्सी जल गई लेकिन पल नहीं गया। पेट की आग जिस दिन तुम्हारे जमीर को जलाकर राख कर देगी ना, उस दिन सारी की सारी अकड़ तुम्हारी बाहर आ जाएगी। और बीच चौराहे पे खड़े होकर अपनी लड़की को कौड़ियों के भाव बेचोगे तक तेरा कौड़ियों के भाव। मैं तो अपनी बात चिकन में दे रहा हूं। क्यों चिंदी चोर की औलाद, दो पैसे कहां से आ गए, अपने आप को फन्ने खां समझने लगा। मरे हुए पे क्या हाथ उठाता है, अगर मर्द है तो हम पर हाथ उठा के दिखा। और तुम लोग भी कान खुलकर सुन लो, ये आदमी मेरा दुश्मन है, जाती दुश्मन। और जो भी हम दोनों के बीच आएगा वो मेरा जानी दुश्मन बन जाएगा। हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सावंत, तुम तो जानते हो कि मेरा कारोबार टूट गया है, मुझे कुछ रुपया उधार दे दोगे तो मैं कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू करके तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा दूंगा। अरे सक्सेना साहब, क्या बात कर रहे हैं, आज आप पहली बार मेरे ऑफिस में आए हैं, ऐसे थोड़े जाने दूंगा। मेहता जी अंदर आइए। यस सर। आइए मेहता जी। मेहता जी जी, तिजोरी में जितने पैसे हैं सब लेकर यहां आइए। सेठ जी, तिजोरी में तो एक रुपया भी नहीं है, सारा रुपया तो आपने कारोबार में लगा दिया है। तो बैंक से मंगवाइए। सर वो बैंक का अकाउंट भी देखना पड़ेगा, शायद उसमें एक रुपया है भी कि नहीं। तो देखिए ना, यहां क्यों खड़े हैं, जाइए। ठीक है, अभी जाता हूं। सर एक लड़की आई है स्टैनो की नौकरी के लिए। लड़की भेज दो। जी वो क्या है सक्सेना साहब, ये स्टैनो सिर्फ नाम की है, ये तो सब रात का इंतजाम है। हमें कभी कभी अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ता है, उन्हें खुश करना पड़ता है। अब देखिए ना, शेर का शिकार करने के लिए बकरी तो बांधनी ही पड़ेगी ना। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। तुम्हारा नाम? जी दिव्या। और ये है मेरे सर्टिफिकेट। तुम्हारा फिगर क्या है? जी आई थिंक 36 24 36, am I right? तुम्हें नौकरी मिलेगी लेकिन ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। जी करूंगी सर, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें सख्त जरूरत नहीं होगी तो हमारी जरूरत कैसे पूरी करोगी? ये शलवार कमीज यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें स्कर्ट ब्लाउज पहनकर आना होगा। जी हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ मेरी तनख्वाह कितनी होगी? जितना छोटा स्कर्ट उतनी बड़ी तनख्वाह। तुम्हारा बाप अभी तक मरा नहीं है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं। पांडे साहब, मुझे सक्सेना की बेटी चाहिए। कहते हो मुझे क्या कहा था? उसने मुझे 62 कहा था और मुझे उसे 62 का मतलब समझाना है। करण बाबू, हमारी यूपी में एक कहावत होती है,
कि जोरू और जमीनों की होत है जे की लाठी मजबूत होत है। हाँ ठीक है। मेरी हालत देखकर तुम्हें खुशी तो बहुत हो रही होगी कि एक करोड़पति जिसकी हालत भिखारियों से भी बदतर है आज तुम्हारी चौखट पर खड़ा है। जिंदगी के इस मोड़ पर वक्त मुझे लेकर आया या इसमें तुम्हारा हाथ है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। कह सकता हूं तो सिर्फ इतना कि आज कदम कदम पर अपनी आत्मा अपने जमीर अपने अभिमान को रौंदता हुआ तुम्हारे घर तक पहुंचा हूं। अपनी बेटी के लिए उस वक्त मैं खून के घूंट पीकर रह गया जिस वक्त मैंने देखा मेरी बेटी जिसकी एक एक नाज उठाने के लिए नौकरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उसकी एक छोटी सी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता था। खुद नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है। एक मामूली सी स्टेनो की नौकरी के लिए अपनी आंखों के सामने मैंने उसे बेआबरू होते हुए देखा। मेरा जो होना था वो हो गया लेकिन मैं अपने बेटी को दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता। याद है एक दिन तुम आए थे मेरे पास अपने भाई का रिश्ता लेकर और मैंने इनकार कर दिया था। आज मैं आया हूं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसे अपना लो अपने घर की इज्जत बना लो। मैं पूछता हूं दिव्या कहां है? आजादे छोड़ दे मुझे संध्या संध्या दिव्या को लेकर भाग जाओ संध्या चलो मामा जी पुलिस स्टेशन चलो चलो दिव्या छोड़ दो मुझे मैं जीना नहीं चाहता। क्यों तुम मरना चाहते हो सक्सेना? यह साबित करने के लिए कि तुमने कभी हार नहीं मानी। अरे हार तो तुम उसी वक्त गए थे जब अपनी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए मेरी चौखट पर आए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। क्या सोच रहे हो? यह सब कुछ मैंने तुम्हें मानने के लिए किया था। नहीं सक्सेना साहेब, यह सब कुछ मैंने किया था तुम्हारे सर से दौलत का घमंड उतारने के लिए, यह बताने के लिए कि भगवान सबको इंसान बनाकर भेजता है। यह दौलत है जो इंसान को अमीर और गरीब बना देती है।
एक बात बता सक्सेना, जब तू अमीर था तेरी नाक का सर पे होती थी, कान मुंह पर होता था, या तेरा दिल घुटनों पे धड़कता था, भूख लगती थी क्या तू सोना खाता था। तूने जो इतनी सारी दौलत इकट्ठे कर रखी थी, मरता तो तू क्या चाकू में साथ लेकर जाता है? कोई रूट कोई सड़क ऐसी है, कोई बैंक है ऐसा ऊपर जहां तू अपनी दौलत का खाता खोलता? खाता खुलता है सक्सेना, लेकिन दौलत का नहीं, पाप और पुण्य का, नफरत और मोहब्बत का। तूने देखा कि तेरी बेटी नौकरी करने गई, तूने देखा कि तेरी बेटी जलील हुई, लेकिन दौलत के अंधे, कभी तूने यह सोचा कि तेरी बेटी नौकरी करने किस लिए गई? तेरे लिए, क्योंकि उससे तेरी ये फटीहाली, तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि तेरी बेटी तुझसे इतना प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार तू अपनी बेटी से करता तो उसके और उसके प्यार के बीच दौलत की दीवार खड़ी नहीं करता। इसे देखिए, जानते ही है क्या है? यह उन फैक्ट्री बंगला गाड़ियों के कागजात हैं जो आपके 20 लाख से मैंने खरीदे हैं। जानते हैं किसके नाम पे? आपके नाम पे। ये सारी दौलत आपकी है, आप ही को लौटा रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सच्ची दौलत मिल गई है, श्याम और दिव्या के प्यार की दौलत। माशूखा के साथ Thank you.
था ना बेटे कि ये चाल तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तेरी सपना को तो हमने तेरा अपना नहीं होने दिया, क्यों पांडे जी? वर्मा जी, आपसे एक थो रिक्वेस्ट है। ये कहानी की शुरुआत हमार छोटा भाई छुट्टन किए रहा, ई की महबूबा को मार के। हरामजादा! ससुरी बहुत तड़प तड़प की बरी रे, मरते मरते भी उकामू पे एक ही नाम रहा, ई का राम। अभी के राम नाम सत का हमें एक मौका दो तो हमारी कहानी का फुल स्टॉप लग जाए। वर्मा जी, इजाजत है। राम नाम सत्य है। रामजादे, मेरी भाई को मारा तूने, मेरी भाई को मारा। Ah!
पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो इन्हें। बेटे, मेरा बेटा। ठीक तो है आप? भैया, तनहा रहना चाहता हूं, तेरी भाभी की बहुत याद आ रही है।